नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी वोटर आईडी कार्ड बनकर तैयार हो गया है लेकिन अभी तक आपके घर पर नहीं आया है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वोटर आईडी कार्ड संबंधित समस्या की शिकायत आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर को ओपन करना है और फिर आपको सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन। और इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन करना है और ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। और सबसे नीचे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको लॉज ग्रेवियंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपके सामने एक कंप्लेंट फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपने विधानसभा का नाम सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपने कंप्लेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप इलेक्शन के टाइम में कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपको इलेक्शन पीरियड सेलेक्ट करना है, अन्यथा नन इलेक्शन पीरियड सेलेक्ट करना है। फिर आपको कंप्लेंट की सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपको अपने वोटर कार्ड से कोई संबंधित समस्या है तो आपको एपिक कार्ड सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपना कंप्लेंट का सब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है तो आपको आधार कार्ड लिंकिंग वाला सेलेक्ट करना है। वहीं अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आपको रिजेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको फेक इलेक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट करना है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, इस तरह आप दिए हुए लिस्ट में से अपने अनुसार कंप्लेंट का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है और फिर आपको अपने कंप्लेंट को डिस्क्राइब करना है, यानी डिटेल में लिखना है। अगर साथ में कोई प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो इसे आप अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका कंप्लेंट सबमिट हो जाएगा और रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसके बिहाफ पर आप कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है वोटर आईडी कार्ड से संबंधित किसी समस्या के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करना है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।